देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हाँ तो बड़े बड़े गांव में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का। ओ रुको, ए रुको, मैं 10 मिनट फोन करती हूँ। कहाँ जा रहे हो? टोक दिया, क्या मिलता है तुम्हें ऐसा करके? हाँ तो हमारी शादी होने वाली है ना, तो आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब की जानकारी मुझे होनी चाहिए ना। हम झूठ मूठ की शादी कर रहे हैं ना, और ये बार बार पति पत्नी कहना बंद करो। हम सिर्फ नाम के पति पत्नी होने वाले हैं, इस बात को याद रखना। शांताराम ने कहा कि आप यहाँ हैं। हाँ, मैंने ही कहा था उनसे कि अगर आप आओगे तो ऊपर भेज देना। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप वैसे भी बहुत स्ट्रांग हैं। मैं स्ट्रांग हूँ ये मानती हूँ, लेकिन आपने फिर से मुझ में वो चेतना जगाई। फिर से अगर मैं हार कर गिर जाऊं, डिप्रेस हो जाऊं, तो कौन आएगा मुझे सपोर्ट करने, मुझे संभालने? तुम स्ट्रांग हो ये हमेशा बताने, हमेशा मेरे साथ चलने। मेरे मन ने क्या जवाब दिया जानते हैं? क्या? आप होंगे वो। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इसीलिए मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए ना। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? क्या हुआ डॉक्टर? नहीं कुछ नहीं, आप अचानक ऐसा सवाल पूछोगी ये नहीं सोचा था मैंने। क्यों, आपको मैं पसंद नहीं हूँ? नहीं वैसी बात नहीं है, मतलब अचानक इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता मैं। एक्चुअली मुझे शादी करनी भी है या नहीं वो भी मैं अभी तक तय नहीं कर पाया हूँ। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। ठीक है, आप मुझे सोच के बताइए, मैं इंतजार करूंगी। मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन मुजरिम कोई ना कोई सबूत पीछे छोड़ ही जाता है, और मैं वो सबूत ढूंढ के रहूंगी। मुझे अरे तू है क्या, मेरी तो जान निकल जाती है अब। क्यों? क्या हुआ, इतना क्यों डर गया? अरे मुझे लगा पुलिस आई मुझे पकड़ने। ले गए थे ना पूछताछ करने, अब वहाँ क्या हुआ वो मुझे बता। अरे मैंने सब कुछ उनको बता भी दिया और कुछ बताया भी नहीं। अब सब ठीक से बता मुझे सब कुछ, वरना मैं ना तेरे दांत तोड़ दूंगा एक ही घूसे में। अरे वो दिव्या मैडम मुझसे पूछ रही थी, वो जवान साहब मेरे साथ मुंबई से आए थे ना, तो उन्होंने तुझे क्या क्या बताया? नहीं 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 नहीं, तुम्हें ना ऐसे तोड़ना चाहिए था ना तुम्हें। हाँ लेकिन जरूरत क्या थी पुलिस के लफड़े में पड़ने की? अरे वो चौहान साहब मेरे ही बस में थे तो मैं क्या करूँ। छोड़, अब
पूछताछ हो गई ना खत्म, तो क्यों डर रहे हो? अरे मैंने उन्हें फोटो का नहीं बताया। कौन सा फोटो? रूपा और देवी सिंह का फोटो। देवी सिंह, उसका क्या? अरे चौहान साहब जब मुझे बस में मिले थे ना, तब उन्होंने मुझे फोटो के बारे में बताया था, और उसी फोटो के बारे में मैंने दिव्या मैडम को नहीं बताया। यार मैंने उनसे झूठ बोल दिया, अगर दिव्या मैडम को पता चला तो वो मुझे अंदर कर देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जाकर उनके बता देता हूँ। गधे सुन, तुझे बता रहा हूँ क्योंकि दोस्त हो तेरा, इस चक्कर में मत पड़ भाई। मुझे बहुत डर लग रहा है बजिया। बजिया मुझे बचा लो, बजिया मुझे बचा लो ना। ना मिया, तुझे है ना, इन सब चीजों से बस एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? डॉक्टर। डॉक्टर आप यहाँ आइए ना। मायरा ने बताया आप घर पर अकेली ही हैं, इसलिए मैं आपको होली के लिए बुलाने आया हूँ। सॉरी डॉक्टर, लेकिन कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। अरे ये क्या बात हुई, एक बार देख तो लीजिए, गांव की होली बहुत अच्छी रहती है। उसे जलाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, और उसमें हमारी सारी नेगेटिविटी जला दी जाती है, फिर एक नई शुरुआत की जाती है। आप भी अपनी सारी नेगेटिविटी जला दीजिए, फिर से एक नई शुरुआत कीजिए। सॉरी डॉक्टर, सच में अभी मेरा मूड नहीं है, आप जाइए। डॉक्टर आप ऐसे यहाँ क्यों बैठ गए? वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप अगर नहीं आओगी तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? आप यहाँ नाराज बैठी हो तो मैं वहाँ एंजॉय कैसे करूँगा? डॉक्टर प्लीज, मेरा मूड होता ना तो मैं जरूर आती आपके साथ। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं जानता हूँ आप क्या सोच रही हो, मैं आपको अकेले नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर कितनी फिक्र करते हैं आप मेरी, लेकिन सच में यू डोंट वरी, आई एम फाइन। अगर मैं कुछ देर अकेली रहूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और मैंने आपको अकेला छोड़ दिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप जानती नहीं हो आप अनजाने में मेरी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन गई हो, मैं आपको थोड़ा भी उदास और नाराज नहीं देख सकता। डॉक्टर इतना प्यार मत करो मुझसे, मैं कभी कभी मुझसे प्यार करने वाले लोगों के लिए डरती हूँ, मैं उन्हें कहीं खो तो नहीं दूंगी, हमेशा ऐसा ही लगता है। फिर से वो सब नहीं दोहराना मुझे। मेरी आंखों में देखिए, आपको सच में लगता है मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा? अब आप मेरी हो, सिर्फ मेरी। और मैं आपको मुझसे दूर नहीं रख सकता। हाँ? आ, आ, क्यों रे? क्या कर रहा है? अभी तक भगवान को प्रसाद चढ़ाया नहीं और तू यहाँ पर? अरे मम्मी धीरे से पकड़ो ना, छोड़ो छोड़ो ना। अरे मम्मी मास्टर जी ने स्कूल में कहा था कि छोटे बच्चे हैं ना भगवान का रूप होते हैं। लेकिन तू राक्षस है राक्षस, बिल्कुल हाथ मत लगाना कह देती हूँ। अरे मम्मी 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 ठहर, तुझे बताती हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगा। टोनिया रुक, टोनिया। अरे दिव्या मैडम नमस्ते। नमस्ते, बैठे ना, चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं रहने दीजिए। मम्मी कैसी दिख रही हूँ मैं? मुझसे क्या पूछ रही है, डॉक्टर साहब से पूछ। सुनो कैसी लग रही हूँ मैं? सुंदर, सुंदर दिख रही हो। अरे अच्छा हुआ कि आपने मुझे ब्यूटीफुल नहीं कहा, वरना क्यों? तुम सच में ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत स्टनिंग लग रही हो। कुछ समझा ही नहीं, थैंक यू। इस साड़ी को कौन सी साड़ी कहते हैं? नववारी। अच्छा मैडम,
आप भी पहनिए ना नवारी, कितनी सुंदर लगेंगी आप। नहीं, एक्चुअली मेरे पास ऐसी साड़ी नहीं है। मैडम, मेरी अज्जी के पास ना नई नवारी है और वो आपको पहना भी देंगी, चलिए। हाँ हाँ, और पहन ही लो आप साड़ी, क्या है ना त्योहार जैसा लगता है साड़ी पहनने के बाद। और मैं तो कहती हूँ पहन ही लो, आप पे बहुत अच्छी दिखेगी। जाइए जाइए। आजी, कितने अच्छे से पहनाई आपने साड़ी, आपको दिखता नहीं फिर भी कैसे कर लेते हो ये सब आप। हाँ फिर, मैं क्या आज ही साड़ी पहना रही हूँ क्या? अरे गांव में पहली बार जब लड़की देखने आते हैं तो उस लड़की को मैं ही साड़ी पहनाती हूँ, और तुम्हें एक भी लड़की ऐसी मिलेगी नहीं कि जिसे सरू ने साड़ी पहनाई ना हो। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े हैं, तेरे कमर का कांटा टूट जाए। अरे मेरी लकड़ी कहाँ है? आजी, लकड़ी क्यों चाहिए, मैं ही हूँ यहाँ पर। आपने कितने कितने अच्छे से साड़ी पहनाई मुझे, थैंक यू आजी। खींच, अरे आने दे नीचे। अरे क्या कर रहा है तू, किसी काम का नहीं है। कैसी लगी होली है? अपना काम सही होता है। पागल, अरे होली यहाँ पर है तो वहाँ पर क्या देख रहा है? अरे उधर है, उधर देखना। अरे ओ नामिया, देखा दिव्या मैडम साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है। वो ठीक, लेकिन होली कब जलाएंगे? अरे सब आ जाएंगे तो जलाएंगे, तुझे क्या जल्दी है? डॉक्टर, मैं कैसे लग रही हूँ? खूबसूरत दिख रही हैं, लेकिन एक चीज की कमी है। क्या? आपके चेहरे की प्यारी हंसी। ए, जलाएंगे होली बाद में, इतनी क्या जल्दी है? अरे बोला ना जलाएंगे बाद में, सबको आने तो दे। रवीना, सच कहूं तो बहुत अच्छी लग रही हो, इतनी सुंदर पहले कभी नहीं दिखी, बोले तो झटका। जाने भी दीजिए, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। सच्ची बहुत अच्छी लग रही हो, अब बस भी करो। लेकिन सच ही बोल रहा हूँ ना। अरे कोई भी सुन लेगा। अरे तो सुनने दो ना, पत्नी हो तुम तो मेरी। डिंपल जा, डॉक्टर के साथ पूजा कर ले। सुनिए, पूजा करने चलते हैं ना। पूजा करके आता। भगवान, सब बुराई दूर कर दीजिए और जल्दी से मुझे हीरोइन बना दीजिए।
मैडम आप भी पूजा कर लीजिए ना, इधर बैठिए, अब हल्दी कुमकुम लगाइए, पहले हल्दी, हाँ ऐसे, अब खुद को लगाओ, अब दोनों भावों के बीच में, हाँ दिया दिखाइए, सुनिए आइए ना, हाँ ये लो, हाँ दो, हाँ मैं लेती हूँ, ब्यूटीफुल नाम्या, तुझे कब से बड़ी जल्दी थी ना, अब कर लेना, डॉक्टर, ओ डॉक्टर आइए ना जरा सामने, मैं और नहीं तो कौन, आप जैसा भगवान का अवतार हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा होली का दहन के लिए, है? आता को प्रसाद चढ़ाता हूं, ए होली का माता, जिस किसी ने कुछ बुरा काम किया है उसे अच्छी सजा दे, उसको आग में मिला दे, हाँ धीरे धीरे धीरे, यहाँ पर हाँ ये रहा ये लो, डॉक्टर थैंक यू सो मच, किस बात के लिए, आज आपकी वजह से मैंने मेरी सारी नेगेटिविटी इस होली के अंदर जला दी, मैं सच कहूं आपसे मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, डॉक्टर आज मैंने नई शुरुआत करने का फैसला किया है, मेरी करियर पर जिसने धब्बा लगाया है ना उसे मैं जल्दी अरेस्ट कर लूंगी, उसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूंगी, यू ओके, भैया मुझे बचाओ, बचाओ डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर नाम है, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बचाओ, क्यों परेशान कर रहे हो इसे, अरे मैं थोड़ी परेशान कर रहा हूँ, यही मुझे परेशान कर रहा है, भैया भैया मुझे बचा लो, भैया डॉक्टर मुझे बचा लो ना, नाम है आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, किससे बचना है तुम्हें, ए गधे मुझे बचाओ मुझे बचाओ ये कहने के बदले किससे बचाना है ये बता डॉक्टर साहब को, दिव्या मैडम से, क्या तुमने कोई जुर्म किया है, नहीं नहीं, 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 ए, दिमाग से पैदल, क्या हाना कर रहा है, जो है वो सच बोल, मैंने दिव्या मैडम से जानकारी छिपाई, कौन सी जानकारी छिपाई,
जवान साहब के बारे में। ना मैं देखो, तुम बिल्कुल मत डर। क्या छुपाया है तुमने, मुझे सब सच बताना। हम ऐसा करेंगे, कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे इसे बाहर आने का। क्या छुपाया है तुमने? वो डॉक्टर, मैं जब मुंबई से आ रहा था ना, तब जवान साहब मेरे साथ ही थे। तब उन्होंने ना मुझे देवी सिंह और रूपा का फोटो मिला ऐसा कहा था। मैंने कहा अगर मिला है तो दिखाइए ना। तब उन्होंने कहा कि फोटो छोड़, तुझे आदमी से ही मिलाता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है, उस फाइल के अंदर तो कुछ भी नहीं था। मैं मॉल की कसम खा के बोलता हूँ डॉक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो सच में देवी सिंह और रूपा का फोटो था। तभी तो उन्हें फोटो मिला, इसीलिए तो वो इतना ज्यादा खुश थे। नाम्या तुम्हारी नींद पूरी तो हो गई है ना, उस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं था। डॉक्टर आप कौन सी फाइल की बात कर रहे हो? इंस्पेक्टर चौहान ने जब खुदकुशी की, तब दिव्या मैडम वहां गई थी छानबीन करने के लिए। तब उन्होंने जब उस फाइल के अंदर देखा तो फोटो नहीं थी, ऐसा दिव्या मैडम ने मुझे बताया। नाम्या तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम इन पुलिस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, उनके सारे काम उल्टे पुल्टे होते हैं। वो दाढ़ी वाला आदमी, क्या नाम था उसका? देवी सिंह। वो अगर नहीं मिला ना तो तुम्हें केस में अंदर कर देंगे, उन पर बहुत प्रेशर है। वही तो, अब यही बात मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कब से, लेकिन ये मेरा सिर खाई जा रहा है। मुझे बचाओ बोलकर सिर का कचुम्बर बना दिया इसने मेरे। एक बात बताऊँ, ये नाम्या को है ना, कभी देखा भी नहीं, ऐसा आदमी सपने में दिख रहा है। हाँ डॉक्टर, वो रूपा आपकी मुंह बोली बहन थी ना? अरे वो लड़की जो मेरे मॉल में आई थी लाली पाउडर और मेकअप का सामान लेने, और आप ही ले गए थे ना? नाम्या सुनो, रूपा मेरी बहन नहीं थी। आप लोग तो जानते ही हो, क्लिनिक में आने वाली हर औरत को मैं माँ या बहन की नजर से ही देखता हूँ। तब उसी ने कहा था आपके पास कोई काम हो तो बताइए। एक तो मेरे पास पैसे कम थे, ऊपर से मैं गाँव में नया था, किसी से मेरी जान पहचान नहीं थी, तो मैंने उससे कहा मुझसे ये नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। वो चली गई। अब वो कहाँ गई, उसने क्या किया, मैं कुछ नहीं जानता। और बाकी रहा वो दाढ़ी वाला आदमी, क्या नाम था उसका? वो देवी सिंह। वो आदमी कौन है, क्या है, मैंने कभी देखा भी नहीं, उसे जानता तक नहीं। अब केस ओपन हो गई है तो देवी सिंह सब बोल रहे हैं, तो नाम मालूम हुआ। आपको एक सच बात बताऊं, पुलिस के चक्कर से बचने के लिए मैं रूपा को नहीं जानता, ऐसा मैंने कहा। लेकिन क्या आप दोनों को लगता है कि मुझे बताना चाहिए? तो मैं जाकर बता देता हूँ। पुलिस का क्या है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा परेशान करेंगे, थोड़ी सी परेशानी में सह लूंगा मैं। नहीं, डॉक्टर आप अपनी चप्पल से मारिए मुझे, पर ऐसे मत बोलिए। अरे ये गधे पागल, देखा ना कैसे दिमाग से काम लेना होता है। अरे इन पुलिस वालों के चक्कर में मत पड़ तू, मैं बता रहा हूँ ना, सुन, उन्हें कोई भी जानकारी मत देना। नहीं दूंगा। कौन रूपा, कौन देवी सिंह, मुझे नहीं पता। ये हुई ना बात, कैसे झट से समझ गया है? नाम्या आइंदा अगर फोटो के बारे में बात की ना, तो याद रख दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे एक ही गुस्से में। डॉक्टर चलो अब। हाँ जाओ। चल आइए। मैडम आपने बुलाया मुझे? हाँ, सर्च के लिए परमिशन मिल जाए इसके लिए मैंने लेटर भेजा है ऊपर, हमें जल्द ही परमिशन मिल जाएगी, लेकिन अब हमें कुछ करना पड़ेगा। आप इंस्पेक्टर के घर पे नजर रखिए, मुझे यकीन है वो जो कोई भी है वो सबूत मिटाने के लिए वहाँ जरूर जाएगा। इस बार वो हमारी नजरों से बचना नहीं चाहिए। मैडम मैं आज 2 पुलिस वालों को चौहान साहब के घर पे लगाता हूँ। सिर्फ पुलिस भेजने से फायदा नहीं होगा शिखरे, हमें ये काम चुपचाप करना होगा। ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, पुलिस को वर्दी में मत रखना। गांव छोटा है, यहाँ के लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसीलिए होशियार। मैडम आप चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, अगर आज वो वापस आया तो हमारी नजरों से बच नहीं पाएगा। यही चाहती हूँ मैं, इस बार वो देवी सिंह मेरे हाथ से बचना नहीं चाहिए।
मेरे हाथ कैसे नहीं लगी। कुछ भी हो जाए उस फोटो को ढूंढना ही पड़ेगा। अगर वो दिव्या के हाथ लग गया तो मेरा खेल खत्म। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ भी करके वो फोटो हासिल करना ही पड़ेगा। अब मेरे पास इंस्पेक्टर चौहान के घर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। डिंपल, डिंपल, बाहर आओ जल्दी। क्या है, क्यों बुला रहे हैं मुझे आप? मैं इंस्पेक्टर चौहान के घर जा रहा हूँ। क्यों, वहाँ पर क्या काम है आपका? वहाँ एक बहुत ही अहम सबूत रह गया है, और अगर वो दिव्या के हाथ लग गया ना, तो फिर मेरा खेल खत्म। क्या, लेकिन उनका घर तो पुलिस ने सील किया है ना, और आप ऐसे कैसे सबूत वहाँ भूल गए? पागल हो क्या तुम? मैं क्यों भूल आऊंगा, अभी तो उस सबूत के बारे में पता चला है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो शांति से सुनो। मैं अगर वहाँ फंस गया तो मुझे बचाने आ जाना। आपको बचाने आऊं? और आपको बचाने के चक्कर में मैं फंस गई तो? वैसे भी अगर मैं फंसूंगा तो तुम भी फंसने ही वाली हो, इसलिए तुमसे जो कहा है ना वो करो। रुकिए। क्या है? मैं कैसे बचाऊंगी आपको? मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा, फोन पास ही रखना। है, रुकिए। अब क्या हुआ? बेस्ट ऑफ लक। अलर्ट रहना, घर के अंदर कोई गया है। तुम सामने नजर रखो, मैं पीछे से जाता हूँ। आप रुको, मैं मैडम को फोन करता हूँ। मैडम जैसा कहेंगी वैसा ही करेंगे। ठीक। हेलो। हेलो मैडम, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला है। शायद देवी सिंह रंजीत साहब के घर आया है सबूत ढूंढने के लिए। मैं जानती थी वो आएगा। आप वहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अब कुछ भी हो जाए वो हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। हाँ मैडम। देवी सिंह, आखिरकार तुम मेरे जाल में फंस ही गए। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गए ये डॉक्टर, अभी तक क्यों नहीं आए? और उन्होंने तो फोन भी नहीं किया। कहीं पुलिस के हाथ तो नहीं लग गए ना वो?
रखी है फोटो इसने। कुछ भी हो जाए वो फोटो मुझे मिलनी ही चाहिए। फोटो नहीं मिली तो पूरे घर को जला दूंगा मैं, लेकिन उस दिव्या के हाथ कुछ नहीं लगने दूंगा। कुछ भी हो जाए मैं यहां से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मैडम, बड़े साहब को इतला करूं? क्यों? आपको यकीन नहीं है मुझ पर? मैं उस देवी सिंह को नहीं पकड़ पाऊंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं मैडम। फिर कैसा है? आप तो सस्पेंड है ना, और हम आपके साथ। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं सिर्फ सस्पेंड हुई हूँ, काम से नहीं निकाला है मुझे। उस देवी सिंह को तो मैं ही पकड़ूंगी, उसी की वजह से सस्पेंड हुई हूँ मैं, छोड़ूंगी नहीं उसे। चलो। क्यों नहीं रही? ना मैंने मुझसे झूठ तो नहीं बोला होगा? दिव्या ने कहीं नाम्या के साथ मिलकर मेरे लिए जाल तो नहीं बिछाया होगा, ताकि मैं यहां आ जाऊं और उसके जाल में फंस जाऊं? ये नहीं हो सकता, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस इंस्पेक्टर को अगर फोटो मिली थी तो फिर वो गई कहां? मेरे पहले टिंपल उससे मिली थी, टिंपल ने तो नहीं छिपाई होगी ना मुझे ब्लैकमेल करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा होता तो वो मुझे यहां आने ही नहीं देती, इतनी पागल नहीं है वो। वो जानती है मैं फंस गया तो वो भी फंसेगी, इसका मतलब फोटो यहीं कहीं होनी चाहिए। पर कहां कहां मिलेगी वो? मिलनी ही चाहिए, जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। मेरा यहां ज्यादा समय रुकना खतरे से खाली नहीं है। कहां है वो फोटो? मैडम, वो कहां गया कैसे गया पता ही नहीं चला, लेकिन अंदर से आवाज आ रहा है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमें। आप एक काम करो, आप पीछे जाओ, देखो क्या दिखता है। आप मेरे साथ चलो। शिखरे, दरवाजा खोलना पड़ेगा, हमें दरवाजा तोड़ना नहीं है, हमें दरवाजा खोलना है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ हैं। चाहिए दरवाजा खोलने के लिए कुछ लेकर आइए। आवाज मत करो। हाँ, दिव्या, ये यहां क्या कर रही है? ये हवलदार यहां क्या कर रहा है?
तरह खेल खेला है इन लोगों ने मेरे साथ। मुझे कुछ करना होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। देवी 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 कुछ तो करो देवी। घर पर नहीं है ना? मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। कौन बोल रहे हो आप? तुम अपनी मम्मा को कभी देख नहीं पाओगी। मैं वहां आकर तुम्हें ले जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी मम्मा को भी मार डालूंगा। मायरा, बोलो मायरा, क्या? अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? डरो मत मायरा, मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर आई हूँ, मैं जल्दी आती हूँ घर। मायरा रोना मत, मैं कहा ना मैं जल्दी आती हूँ घर। रोना नहीं मायरा। ठीक है मैं कुछ करती हूँ मायरा। हाँ तुम रोना मत। हाँ अभी आई मैं। हाँ बोलिए, क्या हुआ? इतनी रात गए, क्यों फोन किया? सॉरी डॉक्टर, मैं इतनी रात को आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। क्या क्या हुआ है? एक्चुअली मायरा घर पे अकेली है और वो बहुत रो रही है। आप उसके पास जाओगे क्या, प्लीज? क्या हुआ उसे, क्यों रो रही है वो? वो नहीं जानती, लेकिन वो बहुत डर गई है। देखिए मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज्यादा अभी उसको आपकी जरूरत है। ऐसे समय कोई नजदीकी उसके साथ होना चाहिए। आप कहीं बाहर हो क्या? अगर बाहर हो तो जल्दी से घर जाइए, वरना उसे फिर से पैनिक अटैक आ सकता है। डॉक्टर आप प्लीज ऐसा मत बोलिए, अब कितना भी चाहूँ तो मैं उसके पास नहीं जा सकती। प्लीज अंडरस्टैंड डॉक्टर, आप प्लीज उसके पास जाइए ना, प्लीज। सॉरी, लेकिन मायरा से ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है? देखिए अभी मैं आपको नहीं बता सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि अभी मैं घर नहीं जा सकती। प्लीज प्लीज डॉक्टर आप जाइए ना, वो बहुत रो रही है। डॉक्टर अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। ये तो यहाँ से जा ही नहीं रहे, अब मैं क्या करूँ, बाहर कैसे जाऊँ? मैडम लाइट नहीं आ रही है। मेन स्विच ऑन करो। चलो वापस।
निकल गया हाथ से। मैडम निराश होने की कोई जरूरत नहीं, ये देखिए क्या मिला, आरोपी का पेन। ये कैसा पेन है? अब यही पेन हमें खूनी तक पहुंचाएगा।